लोगों को लास्ट ईयर फाइट्स बड़ी पसंद आई थी, कोई डील नहीं हो रहा है सीजन टू में. The toxicity is out for good. Oh my God. अच्छे पिक्चर्स हैं और काफी अच्छे डिस्कशन हुए हमारे बीच में भी, काफी लड़ाई हुई. इस बार सॉलिड स्टोरीज आई हैं, सॉलिड एंटरप्रेन्योर्स आए हैं, पूरे इंडिया से आए हैं. 10-10 करोड़ के प्रॉफिट्स आ रहे, बूटस्ट्रैप्ड. मेरे को रोलिंग लगे हो. अरे सपनों में इन केस वी आर रोलिंग ऑलरेडी, वी हैव बीन ट्राइंग टू स्टार्ट दिस इंटरव्यू फॉर 5 मिनट्स राइट नाउ. Anyways, guys, welcome to another episode. Today we are interviewing the cast of a show on Sony Live that took the country by storm over the last couple of years. And then the Scam 92 guys cancelled on us, so we're stuck with these guys. Please give it up for the Sharks of Shark Tank Season 2. Welcome, guys. Welcome. Guys, second season, which I just want to throw this open to everybody, not that I have a choice, but which one of you think has adapted best to fame? Like adapted best to fame? Like who's enjoying it the most? मेरे तो स्टार्ट भी नहीं होता, मैं तो स्किप. गुप्ता जी, बड़ा मजा आता है. Why do you think so? I will tell you. I've gone to a few. Oh, ये तो आज लेने के बाद से क्या है? Let the lady speak, please. Yeah. Okay. So उसका ना walk ही change हो गया. Okay. अरे वो पैर में चोट लगी हुई थी. He'll walk into an event, okay? Like pura like evening ke 8 baje, Gupta ji is wearing shades and his Jordans with ex Louis Vuitton or whatever, and he'll walk in and bilkul sab paise haath dikhate hue bol, ha batao kya karna hai batao. And we are all like, oh, Aman aa gaya, ab start kar sakte hain. So you got to admit, Aman, yeah. Like you've really taken to it. No, I think born, yeah. I'm natural. I was a born star. Every other day on our WhatsApp group, oh, I'm late because I was just mobbed by friends. I was mobbed. Oh, because, you know, that was not me. I'm taking like 200 selfies. Anupam to ye bhi bolta hai, uski jaan rehta hai apartment, wahan par bheed lagi rehti hai bachchan sahab. Can you please clarify? That was not me. That was me. Please mil lo. Gaur se sunoge to mob mein log bol rahe hain, Anupam ji divorce kaise kara sakte hai? Wo bhi shaadi to ho gayi. अरे फिल्म मिल बनाया इन्होंने, कोई क्रिकेट खेल रहे हैं यंग वो बन के, पता नहीं शेव वेव करके अलग ही. Did you get any advice from everybody else when you were coming on? सबने एडवाइस दिया हमें. हाँ मैंने मानी किसी की नहीं. अच्छा क्या एडवाइस दी, क्या एडवाइस लोगों ने? सब उधर उधर की हमने दे दी, फिर भी ठीक निकल आए. बता एक्चुअली कितनी ज्यादा दी नहीं, आई थिंक नमिता प्रोबेबली वुड हैव हेल्प्ड द मोस्ट इन टर्म्स ऑफ. अभी इन स्कूल गाइस कम ऑन रिलैक्स. Why Namita help? That also you should find out. Because I'm a dolphin, not a shark. क्या बताया नमिता जी ने, क्या बताया? She was just talking about कि जो डील होती हैं, जो करते हैं इसके अंदर, आगे वाला प्रोसेस क्या है, जो मेरे को ऑब्वियसली यहाँ से पता नहीं था. फेम वाला बताओ. फेम वाला तो कुछ नहीं यार, फेम में तो क्या है, ये तो वैसे ही पूरी ब्रांडेड घूमती है. अच्छा. इसके जूते 20 लाख के होते हैं. उसमें क्या एडवाइस दूंगा मैं, तो पहनता नहीं भाई. तो फेमस होना है और जो हमारे रूम में आके आपने एडवाइस ली है, मैंने इनको एडवाइस दी. वो बोल रहे हैं, मैंने कहा था बी योरसेल्फ, बाकी सब भूल जाओ जो जो कह रहे हैं. ये तो अमन ने और तुम दोनों ने, और जो हमने एडवाइस दिया वो भूल गए. अब जहाँ देखी नारी वहाँ भूला यारी. चक्कर क्या है कि अब शूट खत्म, अब उसके बाद जो हमारी लड़ाई हुई है उसके बाद व्यूज बदलते जाते हैं ना यार, इवॉल्व होते जाते हैं. इतने अच्छे अच्छे हमारे रूम में आ जाते थे हर बारी हर पिच के बाद, कैसा लग रहा हूँ, क्या करा मैंने, क्या करा. लेकिन आप पे प्रेशर था बिकॉज यू हैव टू फिल द ड्रामेटिक शूज ऑन द शो. इट वाज नॉट लाइक दैट एक्चुअली. इट्स नॉट, इन्हो कल सिर्फ किताब लिखनी है, सिमिलर है थोड़ा. आपको आपको पैसे दिए क्या, नाम नहीं देने? नहीं नहीं नहीं. लुक लेट्स ओके लेट्स एड्रेस द एलिफेंट. लेट मी हैव टू राइट, लाइक इट्स वेरी क्लियर. हे वॉच, वी आर कॉलिंग एन एलिफेंट. नो 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 नो, आई शुड बी द लास्ट वन. आई एम जस्ट सेइंग इट्स वेरी क्लियर that there is a shark missing. I just want to know, how is Ghazal? Like, is she good? I had the pleasure of meeting Aman at a conference recently. And what? You were telling me a story about how, you know, there are many sharks who want to be on the show. But you guys are the chosen ones. Like, I didn't say it like, I didn't say it the way you did. You didn't say it like that. I said it very humbly and very respectfully. And I was like, bahut achha laga aur 200 shark ke saath audition hua. Aman bhai, raat ke 2 baje bataya, utna bhi humble nahi the aap. How's it been? Have you met other sharks or have you spoken to other sharks who would have wanted to be on the show but they probably passed on it or you know they missed out? Like kya kya raha industry mein response, thoda hame bhi batao. Gossip do guys thoda. Kya sawal tha aapko phir se batao. Mera other sharks wanted to be on the show. Mera sawal tha ki WhatsApp khulo batao kya kya bola hai kisi. To WhatsApp pe aate hain yaar, matlab shuru mein jab ye Shark Tank maine kaha tha us time pe what I was selling hua Shark Tank jab release hua tha to bahut anti the log, you know, shuru mein 1 week was like huge anti
Shark Tank wave, and especially जो बहुत सारे ये 1% of India जो होते हैं ना pseudo intellectual I call them right, उन लोगों ने तो बड़ा लिखा ज्ञान ठोका, ये ऐसे करते हैं, ये investments ऐसे नहीं होती, इसको बिठा दिया यहाँ पे और मतलब ये बहुत गलत हो रहा है, ऐसे नहीं होता investment, ये तो बहुत negative आया, बड़ा stressful था कि यार इतना ऐसा भी नहीं है कि यार in one week people were judging us very fast and then you know slowly slowly दो तीन हफ्ते निकले, then the real Bharat, you know, the 99% of India, those guys woke up and you guys also as influencers, you guys started doing a lot of you know, you guys also started sharing. पैसे मिले थे? नहीं मस्ती कर रहा हूँ। हमारी काफी डिबेट हुई थी बाय द वे इस पे कि पैसे मिले हैं कि नहीं इन्फ्लुएंसर, सडनली कैसे सारे इन्फ्लुएंसर जागे? पैसे मिले तो बेटर कपड़े पहनेंगे। एग्जैक्टली वो बात, सारे इन्फ्लुएंसर एक साथ कैसे जागे? तो अच्छा हुआ, मतलब इट वाज यू नो इट फाइनली टुक ऑफ वेल, it was fun after that, but yeah there was baad mein mereko bahut log milenge yaar hame bhi kisi tarah, to hum mila dete the sony walon se jo choose kar rahe the, to unhone audition di hogi, to nahi hua hoga selection, amit jain ka ho gaya unhone kya kiya aapne audition mein? Congratulations, aap sony aa sakte hain. Who ha is a you know, you will hear what is this who ha, yeah, what is कंपनी स्लोगन, हमारी कंपनी का एंथम है. अच्छा हाँ करेक्ट, तो वी डू हू हा 300 देखी आपने मूवी? ऑफ कोर्स, उस पार्टन से इकट्ठे होते हैं तो हू हा करते ना, हां दैट वॉर क्राई, तो आपने किया ये ऑडिशन में? ऑडिशन में ऑफ कोर्स नहीं किया. अच्छा नहीं किया. अच्छा, इट वाज डिस्कवर्ड लेटर व्हेन दे केम टू आवर कंपनी और हम लोग टाउन हॉल ले रहे थे, वहां पर डिस्कवर हुआ कि आपका ऑडिशन जो होता है उसमें आपकी रिकॉर्डिंग करके ले जाते हैं विद इन द चूज, वरना हाफ मंथ लेटर यू गेट अ कॉल किया यू नो वेलकम टू शार्क डॉग. अच्छा एक डेढ़ महीना आपको सस्पेंस में, हमको अगले दिन ही बोल दिया था तुमको स्टार्ट हो अनुपम, तुमको स्टार्ट हो. नमिता, हाउ हैज इट, हाउ हैज द न्यू फाउंड लाइक ब्रांड एंड पॉपुलैरिटी हेल्प्ड इन द in the workplace, like is stuff easier to get done now? Do you think doctors really write based on me coming on Shark Tank? So I think hamare D2C log jo hai yahan unki to bahut you know Diwali bani because their brands got more visibility and they hopefully made more sales as well, but pharma doesn't function that way. So what about the company, like folks around you, your colleagues, your, you know, folks who work for you, what was that like, how did your professional environment change? Obviously, you know, logo mein employees mein pride hota hai, but the interesting part was a party scene, you know, so whether I'm going in Bombay or Delhi or Pune, all my friends would be like, oh, we've not seen Shark Tank, we've just not had the time to see Shark Tank, you know, because I agree, Goro ki fascination nahi, we only watch Shark Tank in USA, party nahi kar sakte, lot of people say this, you know, the baat khatam, do you see the train here? How they don't let people finish their sentence? Like somebody starts and then you don't even get to finish your sentence. So that's kind of a common trend, but I will still try. Bolo, bolo na. Oh. Arre, bolo na. Arre, speaking mein toh aapki expertise hai. Aap bolo. The bottom line is, ye sab jo hamare so-called dost log hai. Like, hum toh nahi dekhte. Humne USA wala dekha hai. But India, you know, we've not got around to it yet. Achha. And then the beauty was when I'd go on the, you know, corner to just take a call or something, the nannies, the drivers, the caterers would be like coming in. मुझे अपनी फेवरेट पिच बताते थे, सेल्फी खिंचाते थे, तो दैट वाज फन टू वॉच एंड दैट वाज अ रियल हुर्रा. एंड द नैनी वाज लाइक, ये सब झूठ बोल रहे, रोज रात को देखते हैं, मैंने देखा है. मैं ही तो सुला रही होती हूँ बच्चों को. एग्जैक्टली. ये थोड़ा बहुत वीसीज के साथ भी हुआ, जस्ट टू एक्सटेंड दैट, जो अमन और नमिता कह रहे थे ना, शुरू में काफी रेजिस्टेंस था. हाउ कैन यू टेक शार्क टैंक ऑफ यूएसए एंड मेक इट ड्रामा भारतीय एंड दिस एंड दैट. बाद में जो पार्टी सर्कल में मिलते थे ना वीसीज वगैरह, जो वंस इंडिया एम्ब्रेस्ड इट, बस मेरे को भी फोन आया था, मैंने सोचा इतना टाइम नहीं मेरे पास, सो आई सेड नो. I've heard that so many times. That. Oh, of course. अच्छा मुझे भी फोन आया था. Vinita, would you recommend folks to like basically yeah, have their own brand? Yeah, like a personal brand, or do you think like as people who have been founders before you all got thrust into this, or do you feel like the sort of behind the scenes founder is the way to go? Both. I don't think you have an option but to have a personal brand because it. I think we are living in people are spending like 7-8 hours on their mobile devices. And I personally always used to be like, so between me and my husband, he's the one who loved social media. I used to be like this super introvert. But then I remember one time we just, you know, posted something and like suddenly journalists were calling and we're like, if this helps the business, why not? You know, extend that to 2022. I think there's no option. You have to have a voice because young people, they don't trust ads. They trust authenticity. So a brand is equal to authenticity, which comes from your voice. And you need to have a voice and voice it. And a follow up to that, I want to take on, based on this question,
What do you guys think about what Elon is doing? Who has taken Elon's personal brand, which is who's taken adopting his own brand and then fully leaning into the chaos. Like, Aman, I want to start with you. What do you think? Before that, I would say, जैसे ये बोल रहे थे ना कि sales में effect आता है. I don't think sales में कोई effect आता है क्योंकि India जो है ना consumer बहुत smart है. मुझे लगता है वो खरीदेगा फिर भी अपना decide करके. Brand popularity हाँ पूरे इंडिया में हो जाती है. People know boat, but does that affect the purchase decision? I don't think so. People will still look at the product, look at the value proposition and buy. Not because that कि Aman का product है या Piyush का product है. I don't think that happens in India. Coming to Vinita's point. Yeah, I think each one to his own. Like if you ask me, there's Sameer, my co-founder. He got an option shuru mein Shark Tank ka. नहीं भाई मेरे बस की नहीं है. So he doesn't want to go also. He's saying, yeah, नहीं, Aman is better. मेरी कंपनी का नौटंकी ये है, इसको लेके जाओ. आप कौशिक की बात बता रहे हो या अपनी? Rest of you, Piyush, what do you अरे think? पर Elon Musk का तो बताया ही नहीं. अरे अभी दूसरा क्वेश्चन आंसर. General open to everybody. Should founders have a strong brand? Is that helpful? It's not clear because the biggest brands in the world have not been built by founders as the brand. ऐसा नहीं है. तो I don't know the answer. आप KFC नहीं खाते? I don't think it is necessary. It's and honest. I don't think Shark Tank, at least mere dimag mein abhi bhi, it is a brand new guess. It has a side effect on the brand. There are pros and cons also. Because jab achhi chalti hai, and the negative side, you have to bear with that. Ek udharan to dekha hai aapne. Haan, matlab, I won't comment on that. But to ye kehna mushkil hoga ki you come to Shark Tank to build your personal brand or build your product brand. You're coming to Shark Tank for a very different reason. Agar aapko entrepreneur se milna hai, invest karna hai, that is the reality. Ab uske chalte brand mein to impact aa raha hai. Right? Kisi ka achha aa raha hai, kisi ka bura aa raha hai. It will not be aisa nahi hoga ki hamesha aise hi chalega. Ye to mera sure hu ki agar kuch achha aaya to kabhi bura bhi aayega. Wo hai nahi. Aur jo Elon Musk ka aapka question hai, see I think ye sab logo ka memory bahut short lived hota hai. Jo 7 company bana chuka hai. All very successful. SpaceX देखा है, Tesla देखा है हमने. अभी ठीक है जो वो कर रहा है, it is criticized. But context क्या है हमें नहीं पता. अगर 2 साल बाद Twitter is doing very well and it is profitable and it is employing people and you know making it sustainable, तब कोई ये बात नहीं करेगा. तब कहेंगे हाँ हाँ ये हीरो है, 7 के बाद अब इसने 8वां भी बना दिया. तो that is my view. Would you guys also just adding? Would you invest in Twitter if you knew that Elon was taking over? Please go for it. Continue. So मेरा view better product sales. और आपका ये जो शार्क टैंक जरिया है, इससे अगर आप वैसे सोचोगे तो आप किस मतलब कि 150 करोड़ की अवेयरनेस क्रिएट होगी, 200 करोड़ की अवेयरनेस क्रिएट होगी, ऐसे मान सकते हो आप जब आपका नाम बार बार आ रहा होता है. पर अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा नहीं तो आप कितने भी ऐड कर लो आपको प्रोडक्ट नहीं मिलता. तो आई थिंक प्रोडक्ट इज द मेन थिंग. आप जो भी सक्सेसफुल प्रोडक्ट सीखोगे, चाहे एप्पल ले लो आप, चाहे टेस्ला भी ले लो, अच्छा प्रोडक्ट है तो बिक रहा है माल. फाउंडर इतने सारी जगह पे अननोन ही रहते हैं कि पता ही नहीं लगता कौन है पीछे, बट प्रोडक्ट माल बिकता है. नाउ टू द अदर क्वेश्चन, एलन मस्क ट्विटर में अगर आया है तो मैं पैसा डालूँ 100%, बिकॉज आई थिंक ही हैज गॉट अ क्रेडिबल सक्सेस रेट. और अच्छा करता है यार, जब भी आता फोड़ता है. जुगाड़ू इलोन. हाँ मजा आता है. ओ जुगाड़ू मत बोल, पीयूष इन्वेस्ट कर देगा. Got strong opinions on this here. I think ki it is ultimately personal brand. Shark Tank is a lot about building a personal brand as well. देखिए जो भी investments हमने की है, हम बातें तो करते हैं यार, कुछ नहीं पता कितनी क्या बनेगा, कब बनेगा. So why are we spending all this time? विनीता ने एक बात कही authenticity के बारे में. In this day and age, authenticity matters and it matters the most. Sir, authenticity Hindi mein kya bolte hain? यार सच्चाई, सच्चाई बोल दीजिए आप, बोल दीजिए ओरिजिनलिटी, बोल दीजिए कुछ भी. ओरिजिनलिटी इंग्लिश हो गई. माय फेवरेट हिंदी वर्ड. जब ओ के ऊपर जो मात्रा आती है. देखिए कोई कोई शब्द ऐसे होते हैं इंग्लिश के हिंदी अपना लेता है, हिंदी वाले इंग्लिश अपना लेता है ना. तो ये आपको समझाते रहेंगे कि इन्होंने सही कैसे बोला है, आप आगे बढ़ो. तो जेन्युइन वो भी हिंदी वर्ड हो गया आजकल, है ना. जेन्युइन, आई थिंक ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. भरोसा जो होता है वो ब्रांड में कम होता है, वो लॉयल्टी बहुत जल्दी बदलती है, लेकिन इंसान में भरोसा आदमी पहले करता है. तो भरोसे से ऑथेंटिसिटी आती है, राइट. या तो ऑथेंटिसिटी से भरोसा आता है. दे बोथ टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. एंड आई थिंक दिस प्लेटफॉर्म ऑफर्स यू दैट. ये दिखाता है कि ना कि ये लोग पैसा डाल रहे हैं स्ट्रगलिंग फाउंडर्स में, वर्दी कॉज के पीछे पैसा डाल रहे हैं. दैट रियली टेक्स यू अप इन पीपल्स आईज. रही बात इलॉन मस्क की, अगेन स्ट्रांग ओपिनियन. यू नो हम बात करते रहते हैं अक्सर कि विद ग्रेट प्रिविलेज कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. और मुझे लगता है ना
स्पाइडरमैन ओह ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पांस उसका ही टेक है बट आई थिंक आज की तारीख गिवन ऑल द थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड वी नीड यूनिफाइंग वॉइसेस और मुझे लगता है एट द पॉइंट इलॉन मस्क इज राइट नाउ इज एक्सट्रीमली डिविसिव राइट एंड आई थिंक वी कैन डू विद लेस ऑफ दैट The world is reeling from all the social media, multiple voices, how to deal with this in their lives. And you see, we become dopamine addicts. Cross and nonsense. So, you don't invest. Kis mein? If Elon said he's raising for Twitter. Yaar, bhai, kyun jo haisiyat hi nahi hai, wo baat karne se kya fayda? Anubhav was like, I didn't say that. अरे वो बात तक की हैसियत ही नहीं है वहाँ पे $1 billion invest करने भाई invest करने तो ठीक है चलो अनुपम कितने भी cool हुआ Elon से पंगे नहीं लेंगे मैंने तो लिखा था Twitter पे बहुत लोगों ने like किया कि if you parade your employees naked in the public of course they will piss on you nice thank you for telling us about your tweet आजकल English ज़्यादा हो उन्होंने भी सीजन 1 देखा है कुछ देखा उन्होंने उनको अभी आइडिया लगाने लगा है कि ये करेंगे तो जनता को एंटरटेनिंग लगता है शार्क्स गो फॉर दिस टाइप ऑफ बिजनेसेस खतरनाक प्रेप थी आते ही सीधा विजन पर्पस टेक्नोलॉजी आ गया पीयूष को सुना देते थे आते ही घुसते ही देयर लाइक आई कांटेक्ट विजन पर्पस टेक्नोलॉजी चेक लेके जा रहा हूं शी इज एब्सोल्युटली राइट और एक ये भी था कि सबको चाहिए 50 लाख और देना 1% है 50 लाख और 1 करोड़ 1% इक्विटी लेवल इतने हो गए थे 1-2 टका मिल रहा था करोड़ रुपए डालो सारे महंगे एसेट सारे थे यू फेल दैट नमिता दैट एवरीबॉडी हैड लुक्ड एट द प्रीवियस सीजन एंड सॉ व्हाट वर्क्स एंड केम टू दैट एब्सोल्युटली एंड विनीता ने जो बताया शी इज बैंग ऑन कि वो एक यू नो वर्ड्स से जिससे हमारे पीयूष जी यू नो टुडे शार्क्स भावुक हो जाते थे लाइक व्हाट न्यू द राइट वर्ड्स एंड द राइट बटन लाइक व्हाट मतलब आपकी ये वर्ड्स तो है ही नहीं जैसे पुणे बोल के मतलब में हुई है अच्छा हम में बहुत जोश है जज्बा है जुनून है क्वेश्चन मतलब ऐसा होता था कि हमारे सवाल खत्म होते नहीं थे उनको उनके हमारे क्वेश्चन उनके आंसर्स में पहले होता था पिच में ही होता था तो बहुत बार ये तो सवाल नहीं होते थे क्वेश्चन के क्योंकि इतना सारा कुछ ऑलरेडी पिच में बोल चुके होते थे जो यू नो जो हमें सुनना होता था जैसे एक इंटरव्यू में भी होता है तो अब और डिफिकल्ट हो गया टू नहीं फिर भी वो इतने जवाब देते थे अपनी पिच में फिर भी ये बंद नहीं होते थे सवाल तो सवाल पे सवाल पे सवाल पे सवाल तारीख पे तारीख सवाल पे सवाल ये कौन बोल रहा है अभी तक उल्टा फ्लिप करने के लिए डिड यू गाइस फाइंड दैट यू ऑल आल्सो बेस्ड ऑन योर सीजन 1 थिंग्स दैट पीपल नो अबाउट यू एटसेट्रा कि तुम लोग अभी थोड़ा परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गया लाइक इनटू द अभी नाउ देयर इज एन एक्सपेक्टेशन लाइक राइट व्हिच इज You guys know the first season happened कि ये बोलने से जनता ये respond करती है How much of it was actual analysis of companies? But भाई एक चीज मैं बताता हूँ Last time क्या हुआ ना Pitch of the season थे जुगाड़ू कमलेश ठीक है जुगाड़ू कमलेश आई पीयूष बन गए हीरो इस बार जुगाड़ू से ऐसा कोई स्मेल भी आती थी ना हम सारे टूट जाते थे अगला जुगाड़ू ये है और पैसे ले ले भाई तू पहले अरे बिजनेस छोड़ बता वेयर यू बोर्न टेल मी योर फैमिली स्टोरी और कोई रो दे तो भाई तू दो लो चेक ले जा यार आपसे हर सवाल का पहला जवाब अमन को देना चाहिए ऑलवेज नहीं एक और बात है इस सीजन में बहुत फर्क आया है मैं बताता हूँ जैसे लास्ट सैड स्टोरी या तो ब्यूटी ब्यूटी आ जाए इस बार ही तैयार होकर क्यों बैठते जो सोच ये तीनों लगे रहे दो अलग सेशंस कीजिए इन तीनों का एक हम तीनों फिर मजा आएगा आपको करना है अगले सीजन में ये बताओ बताओ अमन भाई आप कुछ कह रहे तो मैं कह रहा था इस सीजन में ना ये बहुत फर्क आया जैसे शार्क्स में भी बहुत फर्क आया है जैसे मैं आपको अभी बता रहा था और दूसरा क्या हुआ जैसे लास्ट टाइम इनके पास किसी चीज की एक्सपर्टीज नहीं थी ना इस बार सबकी है इंडस्ट्री का कोई आ जाए नमिता बोल देती है मुझे जान पहचान सब जानते हो ये आंसर है ये आंसर है वो आंसर है तो इस बार ही तो अनुपम भाई से ज्यादा तो शायद कभी कभी इंडस्ट्री के बारे में ये जानते थे और इतनी पिचेस हो गई ना कि हमें पता था अभी अभी
अमित जी पूछेंगे इसका यूनिट इकोनॉमिक्स क्या, अब ये आएगा तो ये इनका सवाल ये कंफर्म है, ये आना है। और अनुपम का कंफर्म सवाल है, आपके पापा जी क्या करते हैं? आपका जोश, आपका जज्बा, आपका जुनून और आपकी जायदाद से मैं बहुत जायदाद आपकी जायदाद जो है कुछ भी पेल दिया है। नो नो शी इज राइट। और एक्चुअली मैं और अमन मोस्ट ऑफ द पिक्चर्स वी वर नेक्स्ट टू ईच अदर, यू वुड गेट सो बोर्ड एंड सो बर्न आउट कि वो क्लास में नहीं कॉलेज में बैक बेंचर्स होते हैं, ऐसे चिट्स लेके एक दूसरे को पास करते हैं, गॉसिप कॉलम्स डाल के अक्रॉस होल रेस्ट ऑफ लाइक डेढ़ घंटे के पिच में 45 मिनट्स में हमारा डिसीजन हो जाता था। बैलेंस 45 मिनट्स वाज क्रॉस एंड नॉट, बिचिंग, गॉसिपिंग, कमेंटिंग ऑन लिटिल चिट्स ऑफ पेपर वी टू कीप पासिंग, दैट्स द ओनली वे वी सर्वाइव। यू टू अंडरस्टैंड नमिता का डिसीजन किस पे होता है, आप पुणे से हैं तो डिसीजन हो गया, अब उसमें टाइम तो लगेगा ही नहीं भाई, सवाल पूछना ही नहीं है। कभी कभी तो पहले ही आने के पहले ही विमेन एंटरप्रेन्योर आइए, आप चेक लेके जाइए, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, कुछ बस चेक, उसमें 15 मिनट ही लगने हैं। और उसके बाद अगर कोई आदमी सवाल पूछे, यार देखो ये सवाल पूछे, मैंने आपसे बिना सवाल पूछे चेक कर लिया, कौन सा बड़ा काम कर दिया बिना सवाल, ये आदमी ये ऐसे बैठा होता है वहां पे, हम पूरा सवाल वाल पूछ लेंगे, वैल्यूएशन निकालेंगे, सारा बिजनेस जैसे ही से लगेगा ये सबको पसंद आ रहा है, आपको तो मैं ही चाहिए हूं। तो ये बैठ के तब ऑफर निकालता है, तो डेढ़ घंटे बाद ऑफर देता है, सबसे ज्यादा डील करूंगी इसने शार्क टैंक में, पर ये 45 मिनट्स क्रॉस एंड नट्स खेल रहा है, बिकॉज इसका काम हम कर रहे हैं, सो दैट्स द प्रॉब्लम। इजी नो इजी जॉब। नमिता जो है ना बहुत जल्दी आउट जाती है, नमिता को लगता है जितनी जल्दी मैं आउट जाऊंगी ना मेरे को एक्सपर्टीज का वर्ड यूज नहीं करना पड़ेगा, मैं कोई रीजन दे पाऊंगी, वरना सबने रीजन यूज कर लिए तो मेरे को एक्सपर्टीज ही बचेगा। ये क्या है ना, ये सब डिनायल डिफेंस मैकेनिज्म चल रहा है यार, अपने पकाओ पने के एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। आपको ना विनीता विनीता की ना मिमिक्री देखनी चाहिए, you should see show that बन जाएगा। And you should take it three no no but end हो रहा है, end है, last question है, she's fantastic, yeah she is outstanding, outstanding, it's not mimicry, it's just what they said in season 2 का एक समय, let's do it। So Namita in this season is all about like shayari and kavita, कुछ भी context हो, whether it's KBC or whatever, she'll be like she'll have something, and so she goes into her pitch saying that देखिए आपकी जो pitch थी वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, आप पुणे से हैं वो भी मुझे पसंद आया, मैं एक शेर सुनाती हूँ, मंजिल मिलेगी भटक कर सही, वो क्या पहुँचे जो घर से निकले ही नहीं, मैं इतने सालों से 8 साल मैं पुणे छोड़कर US गई, दैट्स वेयर आई गॉट माई एक्सपोजर, आप आज भी पुणे में हो, and of course after coming back to India I've been shopping on Myntra, so I don't miss Alexander McQueen back in Pune. And while all this happens samne aa sir ae chup sale mujhe bolne nahi deta hai baad mein topuri dance karegi, and we're like where this this diva go into this Namita that's like coexist mera Namita beech mein bata rahe Myntra Myntra fir ye dusra isne word use kiya mantra 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 my business mantra hum bol rahe mantra bhai mantra aman is like throughout the show like no he starts in the beginning he's like and he'll start going like this 15 minutes 20 minutes 25 45 he's like this okay and then everybody is like fir mere paas aawaz aati aman seedha baith ke and then suddenly he'll go like dekh main tujhe batata hu तू बंदा ग्रेट है पर मिला लेट है आउट ऑफ द ब्लू मेरे को ना तुझ में ना अपनी वाली फील आ रही है थोड़ी अपनी वाली फील आ रही है मतलब मेरे को ना ऐसी फील आ रही है कि यू नो तूने बोला तेरे घर का रेंट सिर्फ 5 लाख रुपए है मेरे जूतों की कॉस्ट भी सिर्फ 5 लाख रुपए मैं ना तुझसे बहुत रिलेट कर पा तो चल मैं तेरे को एक ऑफर देता एंड देयर ऑल लाइक ओके दिस गाय इज गॉन राइट ही इज लाइक आउट एंड देन सडनली मैं तेरे को ऑफर देता एंड ही लाइक वैल्यूएशन क्या थी अच्छा ठीक है चल जो तूने मांगा ना मैं उससे तेरे को बेटर ऑफर देता हूँ तूने मांगा 1 करोड़ फॉर
1% of the company, मैं तुझे देता हूँ 1 crore for 3% of the company. अच्छा ठीक है जो ये ऑफर दे रहे हैं वो ही. And then meanwhile Piyush is making his list of questions. And then he's like, देखिए आप में जो विजन है और टेक्नोलॉजी है और पर्पस है उससे मैं बहुत सहमत हूँ. कमेंडेबल है. कमेंडेबल है. कमेंडेबल इज हिज फेवरेट वर्ड. पर आप ना यूनिकॉर्न बनाने निकले हो और मुझे ना इस शब्द से बहुत नफरत है. मेरी कंपनी 6 times यूनिकॉर्न है वो अलग बात है. आप ना दुनिया का भला दिल से नहीं करना चाहते आप बस बोलने के लिए जो बोल रहे हो बोल रहे हो. तो आज मैं इसमें आपके साथ ज्वाइन करता हूं. एंड ऑफ कोर्स अनुपम. देखिए आपका जो जोश है, आपका जुनून है, आपका जज्बा है और आपकी जो जायदाद है. हाँ. मुझे पता चला कि आपके डैडी का बिजनेस है वो 200 करोड़ का है. तो इन सब में मुझे बहुत दिलचस्पी है. पर मेरे ना अभी भी 58 questions है. तो मैं वो सब पूछने के बाद आपको ऑफर दूंगा. Meanwhile, all of us are. जैसे आपको लास्ट सीजन में देखा था, जैसे पीयूष था नोट्स लिख रहे हैं, अमित जैन वो एनालिसिस कर रहे हैं अपनी पूरे, इनका तो एक इतना प्रिंटेड शीट आती थी इसमें ये चेक हो जाता था, मैं साइड में बैठे देख रहा था. अनुपम भाई भी लिख रहे हैं, इसको सब याद रहता है. ये एक नोट नहीं बनाती, ये मतलब शी डजंट नोट एनीथिंग एंड शी नोज एवरीथिंग. आफ्टर 1 hour शी विल नो एग्जैक्टली कि पिक्चर ने फर्स्ट वर्ड क्या बोला था, सेकंड वर्ड क्या बोला था, कितनी वैल्यूएशन है. कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, क्रिटिक कर रहे हो. ये मेरा दोस्त है, ये बैकहैंडेड कॉम्प्लीमेंट्स ही देता है. मुझे आदत इसको विनीता को सब याद. आदास जितनी तेज है उतनी इंजीनियरिंग इसकी पुअर है. और इसके पास है IIT की डिग्री. चुप है, मैं सही जवाब दिया. बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग. करेक्ट आंसर दिया है. कहां सही हुआ एंड में, लेकिन पता नहीं ये EXEC है, इसीलिए पापा तुम्हें फेक इंजीनियर बोल. गाइस सो वी हैव अ न्यू होस्ट दिस सीजन. व्हाट थॉट्स ऑन राहुल दुआ? जब तक केस नहीं लगता उसे रोस्ट नहीं कहते. नहीं होस्टिंग का पता नहीं, रोस्ट बड़ा अच्छा करते. होस्टिंग तो हमको देखने नहीं मिली. करेक्ट. क्या करते पीछे, क्या नहीं करते बाद में पता चलेगा. अभी काफी एनर्जी और नमिता और पीयूष की जो रोस्टिंग की है, तो सभी करते. अगर उसमें केस लगेगा तो इन दोनों में से एक. पर हमारे में कंटेंट भी बहुत है, वी आर वेरी रोस्ट वर्थी. सब मेरा ही बकरा बना रहे हैं, बस ठीक है. ही इज अ गुड गाय आई थिंक. क्यों अपना बच्चा भी वो बड़ा. आप फेवरेट शार्क फेवरेट पिच तो नहीं पूछने वाले ना? वो हम 100 बार बोल चुके. इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें. थैंक यू. क्योंकि आपने तो बोल दिया कि आप लोग तो सो रहे थे, क्या ध्यान दे रहे थे आप पिचेस में? शार्क टैंक हमने देखा, आपने बेहोश भी हो रहे थे. हां वो भी. लेट्स डू अ क्विक गेम ऑफ हूज मोर लाइकली. यस लेट्स विद द फर्स्ट क्वेश्चन इज एंड यू कैन यू आर ऑल लाइकली टू आंसर. यू कैन ऑल हैव डिफरेंट आंसर्स and it's fine. First question, which of you is more likely to invest because of an emotional story? Piyush Bansal. Piyush. Even Namita. And Namita. But Piyush Bansal. Amit Jain. Actually, I think we unanimously crown Amit Jain. Amit Jain for sure. अब भावुक हो जाते हो सर. अरे मुझे सामने वाला रोते तो ये भी रो देते. इमोशन से ज्यादा अगर मान ले उसके जैसे करोड़ों लोग और हैं इनके अंदर इन्वेस्ट किया तो करोड़ों लोग इंस्पायर होंगे. He's trying very hard to prove that he's replacing Ghazal. Never mind. Who's likely to cut the check quickest? Namita. Namita. Was that a strategy, Namita? It's gut instinct, and I have a pretty strong one. Not bad. Hai to hai. Right or wrong, she didn't say. Who? Strong. Excuse me. Let it go on record. The number one success story of season one is my solo investment. So I guess the gut instinct. Which one? Rare Planet. It's gone from 4 stores to 32 stores and 70 lakhs a month to 4 crores a month. Beat that. Oh, that's pretty impressive. Share अभी बाकी. Thank you. And what did you do for that? Wait. You have to just a genuine question. A lot. You have to watch. A lot. Do for that. She has inserted Rare Planet का pitch in every single. Oh, really? Who is most likely to misspell the word entrepreneur? Come on. और मैं एंटरप्रेन्योर का स्टोरी बताऊं अभी इतना प्रेशर पे नहीं करूंगा.
एक आंट बोल रहा है, आंट बोल रहा है, एंट बोल रहा है। पहले तो इसको प्लीज ब्रो की स्पेलिंग सिखा दो यार। क्या लिखते हो? ब्रो, BRUH. That is proper, bro. That's proper. Proper. You're too cool, bro. If you all played poker, who's likely to win? Poker. प्रॉपर गैम्बलिंग करना है तो बताओ भाई, ये स्किल बेस्ड गेम वगैरह नहीं है। पोकर चोकर अमन बोल रहा है रूले खेलूंगा, रूले में जीत के दिखाऊंगा तुम्हारे को। काउंटर डबल ब्लाइंड साथ में एक हमारी वो होती थी ना वेरिएशन कुत्ती, वो भी जीता। ठीक से नहीं खेला तुम लोगों ने दिल्ली में, ताश ना खेलेगा गेम क्या होता है भाई सोशल मीडिया अपना गेम मतलब अरे भाई अपन मेरा नाम है सोशल मीडिया ना मैं खुद हैंडल करता हूँ। किससे पैसे निकलवाने में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है? अनुपम। अनुपम बहुत जल्दी आ गया। अनुपम अनुपम दो सौ बीच में बैठेगा, इतने से मैं पैसा डालेगा पर ज्ञान पूरा देगा। शुरू में सवाल पूछा था फेम गेम किसके सर पे चढ़ा है। हु इज मोस्ट लाइकली टू इन्वेस्ट इफ द पिक्चर इज फ्रॉम पुणे? So open question for everyone. Jaipur ye, she never invested. No. Unless he says Pune. Pune. Not Pune. Please Pune. Don't say that again. Pune. Otherwise you'll be thrown out of here. Thank you, Anupam. Yeah. I invest in smaller town startups for sure. Jaipur nahi, sab jagah karta hu main. All right. Guys, in one sentence, what should folks expect from season 2? How is it different from season 1? Why should they watch season 2? I think season 2 is full bawal. Watch it. More than inspiration, watch it for entertainment. 2nd Jan, 10 p.m. on Sony TV and Sony Live. I think watch it for entertainment also and inspiration. Why no? Why are you saying that? ये एपिसोड के बाद इंस्पिरेशन के लिए तो नहीं देख रहे लोग। कमाल कर रहे हो। मोर देन इंस्पिरेशन। लोगों को लास्ट ईयर फाइट्स बड़ी पसंद आई थी। हाँ। इस बार तो इस साल डेढ़ घंटा आपको लगता है क्या हुआ? जो लास्ट ईयर 53 मिनट्स एवरेज पिच थी, इस साल डेढ़ घंटा लगा। हाँ। क्यों लगा? फाइट्स। अच्छा, अभी तूने बोलने नहीं दिया भाई। कोई डील नहीं हो रहा है, छोटा बड़ा डील ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे आके आई थिंक वी हैव डबल, मतलब 80-100 करोड़ रुपए लग गया शार्क टैंक में। 50 तो तुम्हारे लग गए, बता नहीं सकता। मोटा मोटी इतने इन्वेस्टमेंट हो गए इन दिस विंटर, मतलब वहां पे जो टैंक में एनवायरनमेंट रहा इसीलिए लोग देखेंगे मुझे लगता है, क्योंकि मार्केट में तो कोई पैसा डाल ही नहीं रहा है अभी, सबको डर लग रहा है, तो यहाँ पे वो जो एलिमेंट ऑफ होप इज वेरी हाई। तो हिज पॉइंट इज बेटर, सिर्फ पूरे देश में सिर्फ 6 बेवकूफ बचे। सीजन 2 में the toxicity is out for good. Oh my god. Wow. Don't be so mean to Ranvijay. Yeah, really. Okay. Wow. Just unnecessary. That's exactly who I meant. What were you thinking? मेरी गलती मजा आने वाला है तुमको देखने में। अच्छे pictures हैं और काफ़ी अच्छे डिस्कशन हुए, हमारे बीच में भी काफ़ी लड़ाई हुई, तो एंटरटेनमेंट तो है ही पर मेरे ख्याल से इंस्पिरेशन ज़्यादा मिलेगी। ज़्यादा मिलेगी डेफिनेटली। नहीं मैं बता रहा हूँ। ये कौन से एपिसोड में इस साल जो एंटरप्रेन्योर भी आया है ना वो सॉलिड आया है, क्योंकि लास्ट टाइम शायद शर्मा गए थे या बहुतों ने नहीं डाला कि पता नहीं क्या होगा क्या है शार्क टैंक। इस बार सॉलिड स्टोरीज आई हैं, सॉलिड एंटरप्रेन्योर आए हैं, पूरे इंडिया से आए हैं। तो आई थिंक फॉर द शो इट्स मोस्टली फॉर द एंटरप्रेन्योर एंड वॉच इट फॉर दैट rather than for anything else. इस बार नए मीम क्या बने भाई? अरे कैसे पता होगा यार क्या बात? आपने बनाने हैं मीम भाई, that is you have to do it. You need to start that game. Last time जो हुआ था बेइज्जती entrepreneurs की काफी हुई, तो ये time आपको वो नहीं दिखेगा। अच्छा क्योंकि यार फाउंडर्स की क्यों करें? बिजनेस के बारे में हम बहुत कुछ बोले, पारा भी बहुत चढ़ा टैंक में, फाउंडर्स की रिस्पेक्ट। और फाउंडर्स भी इस टाइप के आए
मतलब 20-20, 30-30, 40-40, 50 करोड़ के रेवेन्यू, 10-10 करोड़ के प्रॉफिट साल के, बूटस्ट्रैप्ड फैमिली ऑफ 2-3 guys डूइंग इट. दैट्स ट्रू. वी वर शॉक्ड, ब्लोन आउट ऑफ आवर ब्रेन्स फ्रॉम सम स्मॉल टाउन इन फ्रिकिंग गॉड नोज वेयर. Never raise money. आज तक पैसा नहीं उठाया, 10 करोड़ प्रॉफिट कर रहा है. कैसे? मतलब आई डोंट थिंक ये कभी VCs के पास गए, उन्हें पता भी नहीं VC क्या होता. पहले सीने में बिना कारण बेइज्जती हो जाती थी. Yeah, there is an agenda. I don't know what you're talking about. All I'm drawing from this is there's a 200% drop in usage of word Wahiyat in season 2 of Shark Tank. Hope for many more memes. Yes. Hope season 2 is very, very successful. And I hope none of you write a book at the end of this. Thank you for joining us. Please check out everybody on the social media pages. Tag them in all the memes. Sir, ek aapke andaaz mein ek goodbye bol do, sir. Idhar is tarah. Salaam, namaskar, shubh ratri. Thank you for watching. Good night. Good.